परिवर्तन, सीबीआई ने अपनी मांग, अपनी जो जांच है वो तेज कर दी है। दूसरी ओर हमें वो तस्वीरें भी याद है जब आप अभिया के माता पिता से बात कर रहे थे और उन्होंने सीबीआई पर भरोसा जताया था। क्या कुछ अपडेट पूरे मामले में? आज बिल्कुल देखिए, पीड़ित परिवार को इंसाफ की गुहार है और वो इंतजार इसको लेकर कर रहे हैं। लेकिन आज जो सीबीआई एक्शन कर रही है, दरअसल ये भ्रष्टाचार के मामले में एक्शन कर रही है, क्योंकि कल ही सीबीआई ने इस पूरे मामले में एफआईआर जो है वो दर्ज की थी। एफआईआर दर्ज करने के बाद सुबह सीबीआई की अलग अलग टीमें 15 लोकेशन पर इस वक्त मौजूद है और संदीप घोष के घर से ये शुरुआत जो है वो की गई है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह कि सीबीआई की टीम संदीप घोष के घर के बाहर खड़ी रही, एक घंटे तक इंतजार करती रही, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। एक घंटे बाद जब दरवाजा खुला और अब सीबीआई की टीम जो वो संदीप घोष के अंदर मौजूद है और भ्रष्टाचार से जुड़े जितने भी आरोप संदीप घोष पर बतौर प्रिंसिपल आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर लगे थे, उन्हीं की जांच अब सीबीआई करती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक देवशीष करके भी एक फोरेंसिक के डॉक्टर है, उनके घर पर भी सीबीआई की टीम मौजूद है। दोनों की साठगांठ से कैसे भ्रष्टाचार किया जाता था, इस नेक्सस को तोड़ने की कोशिश सीबीआई की, और यही कारण है कि हर पहलू पर इस पूरे मामले की जो जांच है वो अब सीबीआई करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने एक एसआईटी फॉर्म की थी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करने के लिए, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने इस एसआईटी की जांच सीबीआई को सौंप दी थी और सीबीआई ने कल इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की और आज जो है वो छापेमारी बहुत तेजी से की जा रही है। आपको बता दें कि लड़की के साथ रेप और हत्या मामले में संदीप घोष पहले से ही सीबीआई के रडार पर है और कल ही उनका पॉलीग्राफी जो टेस्ट है वो सीबीआई ने सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कंडक्ट कराया। रात को छोड़ा और सुबह होते ही सीबीआई की जो दूसरी टीम है वो संदीप घोष के घर पहुंची है। करप्शन के चार्जेस लगे हैं कि कैसे जो इक्विपमेंट्स मंगाए जाते थे अस्पताल के अंदर उसको लेकर धोखाधड़ी जो है वो की गई, हायर प्राइस पर खरीदा गया, सिलेक्टिव लोगों से खरीदे जाते थे। साथ ही विक्टिम का परिवार भी अस्पताल के अंदर करप्शन के चार्जेस लगा रहा है। जो प्रोटेस्ट की तस्वीरें आप लगातार आरजीकर मेडिकल कॉलेज से देख रहे हैं वो लोग भी भ्रष्टाचार को लेकर आवाज मुखर कर रहे हैं। हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स भी हैं जिन डॉक्यूमेंट्स में कैसे संदीप घोष पर एलिगेशन लगे कि किन किन डिपार्टमेंट में, चाहे वो कैंटीन का एक तरीके से टेंडर देने को लेकर जो करप्शन था वो उसमें सामने आया, सर्जिकल इक्विपमेंट्स लेने के लिए कैसे वो करप्शन करते थे उसकी बातें जो सामने आ रही है। तमाम जानकारी दे रहे हैं जतिन की किस तरह से करप्शन का मामला भी सामने आ रहा है और अभी फिलहाल सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर इस एंगल से भी जांच कर रही है। देखिए पॉलीग्राफ टेस्ट की जानकारी आपको दे रहे हैं, एक तरफ आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट टोटल और बाकी पांच लोग जिसमें पूर्व प्रिंसिपल है, चार ट्रेनी डॉक्टर्स है जिन्होंने खाना खाया था ट्रेनी डॉक्टर के साथ, इस तरह से सीबीआई लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन अभी तक इस पूरे केस में क्या अपडेट निकलकर सामने आया है और आगे किस तरह से जांच की जा रही है, देख लीजिए रिपोर्ट। कोलकाता रेप मर्डर केस का खुलासा करने के लिए सीबीआई की टीम अब फुल एक्शन मोड में है। कल पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ पांच लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट करने के बाद आज सुबह सीबीआई की टीम बेलघाट स्थित संदीप घोष के घर पर पहुंची। माना जा रहा है कि पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ वित्तीय अनियमितता का केस दर्ज होने के बाद सीबीआई ने संदीप घोष पर कड़ा शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। इतना ही नहीं, आरजीकर अस्पताल में पूर्व प्रिंसिपल के करीबी देवाशीष सोम को भी शिकंजे में लिया जा रहा है। इसके लिए सीबीआई की एक टीम केशवपुर स्थित देवाशीष के घर पहुंची, जहां भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की जांच की जाएगी। रेप मर्डर केस से पर्दा उठाने के लिए मुख्य आरोपी का आज होने वाला पॉलीग्राफ टेस्ट अहम माना जा रहा है। इसके लिए सीबीआई ने जेल में आइसोलेशन वार्ड की मांग की है। वहीं डॉक्टर घोष के अलावा जिन लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ उसमें संजय रॉय का दोस्त सौरभ भट्टाचार्य और घटना की रात ड्यूटी कर रहे चार जूनियर डॉक्टर शामिल हैं। इन जूनियर डॉक्टर के साथ महिला डॉक्टर ने घटना वाली रात खाना खाया था, जबकि कोलकाता पुलिस के सिविल वॉलेंटियर सौरभ को घटना के एक दिन पहले 8 अगस्त को अस्पताल में संजय रॉय के साथ देखा गया था। उस दिन सौरभ अस्पताल में भर्ती अपने रिश्तेदार को देखने गया था और रात को उसने संजय रॉय के साथ शराबी भी थी। सूत्रों के मुताबिक पॉलीग्राफिक टेस्ट में संदीप घोष से कई सवाल पूछे गए, जो सवाल पूछे गए वो आप जान लीजिए। क्या आपके और मृतका के बीच कोई विवाद था? क्या आपने पीड़िता के परिजनों को इस हत्या को आत्महत्या बताया था? क्या वारदात की सूचना पुलिस को देर से दी गई? आप डॉक्टर हैं, आपको नहीं लगता कि क्राइम सीन को सुरक्षित रखना जरूरी होता है? क्राइम सीन को जांच पूरी होने तक सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया? वारदात के बाद तुरंत इस्तीफा क्यों दिया? आपने वारदात के बाद किस किस से बात की? वारदात की जानकारी फोन पर किस किस को दी? क्या आप संजय रॉय को जानते हैं?
कब से और कितनी बार उससे मिले? क्या 8 और 9 अगस्त को मिले थे उससे? इतना ही नहीं, मामले का खुलासा करने के लिए आरोपी संजू राय की बाइक को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। बंगाल सरकार की गठित एसआईटी ने भी मामले से जुड़े सारे दस्तावेज सीबीआई को सौंप दिए हैं। वहीं हाईकोर्ट ने सीबीआई को 3 सप्ताह में प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा, जिसके बाद अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे जहां सीबीआई हर एंगल से जांच कर रही है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द पीड़िता को न्याय मिल सके। कुछ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, डॉक्टर बेटी को लेकर इंसाफ की मांग की जा रही है। देश भर से प्रोटेस्ट की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। दुनिया भर में डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे ट्रेनी डॉक्टर्स हों, चाहे प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स हों, चाहे सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स हों। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द मामला सुलझ जाए और इस पूरे मामले में अभ्या को न्याय मिल सके। देखिए, लगातार एक तरफ कोलकाता की खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे असम की, क्योंकि असम से खबर सामने आ रही है जहां पर 14 साल की एक नाबालिग लड़की से रेप के पूरे मामले में जो आरोपी था उसकी तालाब में डूबने से मौत हो गई। अब आपको यह भी बता दें कि यहां पर इसके तालाब में डूबने से मौत तो हुई है, लेकिन जो लोग वहां पर है, उसके गाँव के रहने वाले लोग और उसके परिवार वालों को उसकी मौत का फिलहाल कोई अफसोस नहीं है। लेकिन यहां पर आपको यह भी बता दें, हम जो आरोपी है जिसकी जान चली गई, जिसकी मौत हो गई है, मरने के बाद भी लोग लगातार किस तरह से उसको धुतकार रहे हैं, आप इस रिपोर्ट को देख लीजिए। असम के नगांव गैंगरेप के एक आरोपी की मौत हो गई है। पुलिस की माने तो सीन रिक्रिएट करने के लिए उसे लोकेशन पर लेकर जाया जा रहा था। इसी दौरान उसने भागने की कोशिश की और तालाब में कूद गया। तालाब में डूबने से आरोपी की मौत हो गई। लगभग 2 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद तफाजुल का शव बरामद हो पाया। आरोपी तफाजुल इस्लाम इस केस का मुख्य आरोपी बताया जा रहा था। There is a pond adjacent to the PO and then he jumped into the pond. So we tried to rescue him, but due to the darkness we could not rescue him. Immediately we summoned SDRF team. SDRF arrived at this spot within 20-30 minutes and then we searched it again and around 5:10-5:15 in the morning we could recover the dead body of the deceased. कौन था तफाजुल इस्लाम? 22 अगस्त को एक नाबालिग का रेप हुआ था। नाबालिग साइकिल से ट्यूशन से लौट रही थी। 3 लोगों ने नाबालिग को हवस का शिकार बनाया। इन्हीं 3 आरोपियों में से एक था तफाजुल इस्लाम। हालांकि इस मामले में 3 में से 2 आरोपी पकड़े जा चुके थे। इनमें से एक की मौत हो गई, जबकि तीसरे को तलाशा जा रहा है। घटना के बाद असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ कर दिया था कि हम बेटियों की रक्षा से कोई समझौता नहीं करते। ठीक उसके बाद इस घटना ने एक तरफ कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि क्या अपराधियों पर सख्त असम सरकार के डर से आरोपी ने जान दे दी, तो दूसरी तरफ लोग इसे न्याय से जोड़कर भी देख रहे हैं। गौरतलब है कि असम और यूपी में अपराध और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, खासकर बेटियों के खिलाफ होने वाले अपराध पर।